दिल धड़क रहा ना आपका भी, वोट तो पड़ गए, इम्तिहान खत्म, अब नतीजों की बारी। 23 मई सुबह 6 बजे से लगातार आपके मोबाइल पर यूपी तक पर। अब तक हुई वोटिंग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद से बुआ और बबुआ के स्वार्थी साथ में दरारें आने लगी। पीएम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नैया डूब रही है, आरएसएस ने भी अब इनका ऐसा लगता है साथ छोड़ दिया है। 6 चरणों में जाने हैं, उसी की वजह से सफाया हो रहा है। अगर ये बात जानते हो तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने सोचा कि ऐसा काम करेंगे, मौसम क्लाउडी है, रेडार पे नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए सियासी जंग का मैदान पूर्वांचल बन गया है। 19 मई को आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन इस आखिरी चरण में जो सबसे हॉट सीट है वो है वाराणसी लोकसभा सीट। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और वाराणसी में एक तगड़ा रोड शो करके अपनी ताकत विरोधियों को दिखा चुके हैं। अब वाराणसी में मसला शक्ति प्रदर्शन का है, लिहाजा प्रियंका गांधी ने वाराणसी में कांग्रेस का दमखम दिखाने के लिए रोड शो किया और मोदी के खिलाफ खड़े अपने प्रत्याशी अजय राय के लिए वोट मांगे। पहले तो चर्चा ये थी कि खुद प्रियंका गांधी वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं, बाद में संजय राय को ही मैदान में उतारा गया। जनता की बात सुन तो लेते लेकिन मजबूत सरकार नहीं है, मगरूर सरकार है, अपने अहंकार में है। हम आपको बता दें कि वाराणसी संसदीय सीट पर कांग्रेस ने मोदी को कड़ी टक्कर देने के लिए अलग से घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर योजना में तोड़े गए कई पौराणिक मंदिरों को पुनर्स्थापित करने का वादा, गंगा के स्वच्छ करने की योजनाओं को समय से पूरा किया जाएगा। वाराणसी में एम्स जैसा नहीं बल्कि संपूर्ण एम्स के निर्माण की मांग पूरी की जाएगी। काशी के पर्यटन उद्योग को और विकसित किया जाएगा। मेट्रो रेल परियोजना का विकास होगा। शायद कांग्रेस जानती है कि साधुओं का एक खास तबका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से नाराज है, क्योंकि इन साधुओं का दावा है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर मोदी और योगी सरकार ने सैकड़ों मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा है। पीएम मोदी जी जो हैं, वो विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष हैं, ऐसा सर्वे में आया है और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि विकास पुरुष नहीं वो विनाश पुरुष हैं। यहाँ पे जो 3-4 हजार लोग थे, ठीक है, उन लोगों को घर से बेघर करना विकास है क्या? यहाँ पे दुकानें थी, लोग आते थे, गलियों में घूमते थे, सामान खरीदते थे, अब जीविका छीन लिए, रोजगार छीन लिए, गलियों में लोग लगा रखे हैं कि हमारा रोजगार दो, हमारी भूल कमल की फूल, और अब ये विनाश करके करो हम विकास करेंगे, इसमें क्या विकास करेंगे? ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इससे तकलीफ ही तकलीफ है, समस्या इस हद तक है कि हम लोग तो एक तरह से चाहते हैं कि हिंदुओं का राज्य हो, हिंदू कहने वाला जो है इस देश में वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सारे शासक हों और राम राज्य आए इस देश में। हम लोग सबके समर्थन वाले हैं, लेकिन ये हमारे मंदिरों को तोड़ करके इन्होंने हमारे मन में जो उनके प्रति विश्वास और प्यार का भाव था उसको समाप्त कर दिया है। हालांकि मोदी ने पिछले 5 सालों में वाराणसी में हुए विकास को एक कविता में पिरोकर भी पेश किया है। पुरातन पुनीत परिमल काशी, पुरातन पुनीत परिमल काशी, अडिग अप्रतिम अविरल काशी, निरंतर निर्विघ्न निर्मल काशी, विशिष्ट विकसित विमल काशी, विशिष्ट विकसित विमल काशी। साथियों, पिछले 5 वर्षों में हम सब ने मिलकर बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
वाराणसी में मोदी से टक्कर लेने के लिए महागठबंधन भी तैयार है। एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन के नेता चुनावी रण में कुरुक्षेत्र बने बनारस से पूरे पूर्वांचल को साधेंगे। करीब 80,000 वर्ग फीट में बने पंडाल के मंच से बीएसपी सुप्रीमो मायावती, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। 16 मई को महागठबंधन की रैली होगी और इस बार तो आप खुद आए हैं और आप अपील करके जा रहे हैं और गठबंधन हो गया। पहले तो केवल समर्थन था, अब तो गठबंधन है। बताओ साथियों, कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? और मुझे लगता है ये आवाज मठ तक चली गई होगी। ये आवाज लखनऊ तक नहीं जानी है, ये आवाज जरूरी नहीं लखनऊ तक जाए, लेकिन मठ तक चली गई होगी। अब वो जान गए होंगे अब कुछ बचने वाला नहीं है। बताओ, भाषा बदल गई उनकी, ये जो हार रहे हैं उनकी भाषा बदल गई। वाराणसी में मोदी के खिलाफ महागठबंधन ने समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को उम्मीदवार बनाया है। शालिनी यादव का कहना है कि उन्हें मोदी से टक्कर लेने में मजा आ रहा है। हम आपको बता दें कि शालिनी से पहले महागठबंधन ने बीएसपी से बर्खास्त जवान तेज बहादुर के नाम की घोषणा की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नामांकन रद्द होने पर शालिनी यादव को टिकट दिया गया।